क्रिकेट के जनक देश इंग्लैंड को 27 साल बाद विश्व कप के फाइनल में जगह मिली। विश्व कप 2019 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर 14 जुलाई को खेले जाने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की की, जहां उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल भी विवादित निर्णयों के कारण अब सुर्खियों में है। दरअसल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन राय ने 65 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली। बल्लेबाजी करते हुए जेसन राय पूरी लय में लग रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि वे सेमीफाइनल मुकाबले में शतक जमा कर क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेंगे, लेकिन एम्पायर ने उनका यह सपना चूर चूर कर दिया। दरअसल इंग्लैंड की पारी का 20वां ओवर पैट कमिंस लेकर आए। उनके इस ओवर में चौथी गेंद पर स्ट्राइक में जेसन राय थे। कमिंस की यह गेंद लेग साइड पर थी और जेसन राय के बल्ले का कोई भी भाग गेंद को नहीं छुआ था, लेकिन जब गेंद विकेट कीपर एलेक्स केरी के दस्तानों में गई तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपील कर दी और एम्पायर कुमार धर्मसेना ने काफी विचार विमर्श के बाद अपनी उंगली उठा दी, जिसके बाद जेसन राय काफी गुस्से में नजर आए। वो एम्पायर को भला बुरा कहते हुए मैदान से बाहर गए। इसके बाद उनके फाइनल में खेलने पर संशय कायम हुआ, लेकिन आईसीसी ने उन्हें मैच का 30% जुर्माना लगाते हुए माफ भी कर दिया। जेसन राय को कुमार धर्मसेना ने आउट दिया था। कुमार धर्मसेना श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे थे और उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 2009 से एम्पायरिंग शुरू की। वे अब तक 60 टेस्ट, 102 वनडे और 22 T20 मैचों में एम्पायरिंग कर चुके हैं। विश्व कप में खराब एम्पायरिंग का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भारत के रोहित शर्मा और MS धोनी को भी गलत एम्पायरिंग का शिकार होना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर ICC और उसके एम्पायरिंग पैनल सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।